वेलकम टू आर YouTube चैनल बायोटेक बीट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एपोप्टोसिस में न्यूक्लियर डिग्रेडेशन कैसे होता है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर किसी ने नहीं देखी हो तो। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रिंसिक मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस, कि एपोप्टोसिस होने के लिए कैसे इंट्रिंसिक स्टिमुलाई जनरेट होता है और कैसे सेल की डेथ होती है। लेट सपोज वी हैव अ सेल एंड इन अ सेल वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। There are two layer of mitochondria, outer membrane and inner membrane. On the outer membrane of mitochondria, we have anti-apoptotic factor or inhibitor of apoptosis, IAP. There are two possibility of apoptosis. कि हाँ कैसे हम दो तरीके से apoptosis कर सकते हैं। पहली possibility में क्या है कि एक enzyme है BID. BID क्या करता है, caspases 8 और granzymes की help के साथ T-BID में convert हो जाता है। देन वो टी बिड बिम प्लस बैक्स के साथ मिलकर एक्टिव बैक्स बना लेता है। अब इस एक्टिव बैक्स का एपोप्टोसिस में क्या काम है, हम ये देखते हैं। एक्टिव बैक्स क्या है, दो चीज़ें करता है। फर्स्ट, या तो वो एंटी अपोप्टोटिक के साथ जाके जुड़ जाए। सेकंड, जब वो एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर के साथ जाके जुड़ता है देन वो अपनी कन्फॉर्मेशन को चेंज करता है और डीप ब्रीड हो जाता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। जब वो डीपली ब्रीड हो जाता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में देन मैट्रिक्स में से साइटोक्रोम सी बाहर आने के लिए एनकरेज होता है। बाहर जब साइटोक्रोम सी आ जाता है तब वो APAF1 के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। साइटोक्रोम सी अलोन विद APAF1 कैन नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स, इट रिक्वायर्ड सम फैक्टर्स ऑल्सो, एट इस DATP और प्रोकैस्पेसिस 9। एपोप्टोसोम क्या होता है कि एक टेट्रामर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है कि जब ये ATP और प्रोकैस्पेसिस 9 से जुड़ता है आके तब APAF का एक्टिव कन्फॉर्मेशन होता है जो कि ऐसे दिखाया डायग्राम में, और उसके बाद इन चारों साइड पे एक और प्रोटीन आके जुड़ जाता है जो अपनी कन्फॉर्मेशन आके चेंज कर लेता है। वो कन्फॉर्मेशन होती है एक्टिव कैस्पेसिस की, और ये होल जो कन्फॉर्मेशन है वो कहलाती है एपोप्टोसोम। एज वी नो कि सेल में प्रोकैस्पेसिस 3 इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, प्रोकैस्पेसिस 3 को कैस्पेसिस 3 में कन्वर्ट करने के लिए एपोप्टोसोम की मदद लगती है। एपोप्टोसोम क्या करता है कि इनएक्टिव प्रोकैस्पेसिस 3 को एक्टिव कैस्पेसिस 3 में कन्वर्ट कर देता है। नाउ जब कैस्पेसिस 3 एक्टिव हो जाता है तब वो इनहिबिटर ऑफ कैस्पेसिस एक्टिवेट डीएनएस को कैस्पेसिस एक्टिवेट डीएनएस पे कन्वर्ट करता है जो कि इसका एक्टिव फॉर्म है, और ये करता है डीएनए फ्रेगमेंटेशन। डीएनए फ्रेगमेंटेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। डीएनए फ्रेगमेंटेशन की क्लास का डिस्क्रिप्शन आपको दिया था लास्ट में। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि कैड कैसे डीएनए फ्रेगमेंट करता है दो हिस्टोन प्रोटीन के बीच में हिस्टोन न्यूक्लियोसोमल लिंकर को कट करके। जब डीएनए फ्रेगमेंटेशन होगा तब वो क्या करेगा, अल्टीमेटली गो फॉर द एपोप्टोसिस। एक तो ये कंडीशन होगी जब हम कैस्पेसिस 3 की मदद से एपोप्टोसिस कैसे करें। दूसरी कंडीशन में क्या है कि वी हैव प्रोकैस्पेसिस 9, एंड जब क्या होता है कि कैस्पेसिस 3 एक्टिव होता है तब वो प्रोकैस्पेसिस 9 को कैस्पेसिस 9 में कन्वर्ट करता है, और कैस्पेसिस 9 इज एन एक्टिव फॉर्म। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि न्यूक्लियर प्रो कॉम्प्लेक्स पे लेमेंस होते हैं। यहाँ बात की जाएगी दो लेमेंस की, लेमेंस ए और लेमेन सी। क्या होता है कि जो कैस्पेसिस 9 होता है वो लेमेन ए और लेमेन सी को क्लीव कर देते हैं, इट इज क्लीव्ड लेमेन ए सी। उस टाइम ने बताया था कि जब लेमेंस क्लीव हो जाते हैं और उनका डिटैचमेंट हो जाता है तब होता है वहाँ पर न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन। जब न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, एपोप्टोसिस। ये तो थी पहली कंडीशन एक्टिव बैक्स से कैसे एपोप्टोसिस होता है। अब बात करते हैं दूसरी इसके बारे में। सेकंड क्या होता है कि मान लीजिए कभी सेल में डीएनए डैमेज हुआ या साइटोस्केलेटन डिसरप्शन हुआ या साइटोकाइन विड्रॉल हुआ, तब उस केस में चार टाइप के प्रोटीन रिलीज होते हैं, जैसे कि डीएनए डैमेज में या तो नॉक्सा होगा या पूमा होगा, साइटोस्केलेटन डिसरप्शन में या तो BMF होगा, और साइटोकाइन विड्रॉल में बैड होगा। अब ये चारों ही प्रोटीन जो होते हैं वो BCL2 फैमिली के होते हैं, तो ये क्या करते हैं,
ये एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर के साथ जाके बाइंड कर लेते हैं ऐसे। बाइंड करने के बाद क्या होता है कि ये करते हैं न्यूट्रलाइज किसको, एंटी एपोप्टोटिक BCL2 फैमिली को, मतलब ये पूरे इस कॉम्प्लेक्स को ये कर देते हैं न्यूट्रलाइज। अगर ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा इसका मतलब इसकी एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर एक्टिविटी कम हो जाएगी, देन इट विल गो फॉर द एपोप्टोसिस। सो बेसिकली इसमें हुआ क्या था कि पहले केस में तो था कि जब एक्टिव बैक्स डीपली ब्रीड हो जाएगा किसके अंदर, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, देन साइटोक्रोम सी APF1 के साथ आके बाहर बाइंड हो जाएगा। यहाँ हमने लिखा है कि बैक्स और बैक डीप इंसर्टेड इनटू मेम्ब्रेन एंड क्रिएट अ चैनल फॉर एग्जिट ऑफ साइटोक्रोम सी, फिर वो कैस्पेसस 3 बनाएगा, ICAD से CAD बनाएगा, फ्रेगमेंटेशन देन एपोप्टोसिस। दूसरी कंडीशन में क्या था, प्रो कैस्पेसस 9 को 9 में बदलेगा, AC का डिग्रेडेशन करेगा, न्यूक्लियर डिग्रेडेशन देन एपोप्टोसिस। सेकेंड चीज थी BCL2 फैमिली साथ आके वो न्यूट्रलाइज करेगा देन एपोप्टोसिस। जिसने भी हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी थी उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो आएगी हमारी एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। सो प्लीज गाइस लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियो, प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट और आवर चैनल। थैंक यू।